नमस्कार और आप देखें पल पल। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल ने अटेली विधायक सीताराम यादव के पुत्र पर ऑफिस में बुलाकर के पिटाई करने का एक गंभीर आरोप लगाया है। कांस्टेबल ने सामान्य अस्पताल में MLR भी कटवाई है। अटेली पुलिस में हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह ने बताया कि दीपावली के पर्व के चलते बाजार में भारी भीड़ जमा थी, उसको हटाने के लिए मैं एक सीनियर के साथ जिप्सी में था। इसी दौरान कनीना चौक पर चालान काटने शुरू किए गए। इसी बीच वहां एक पिकअप गाड़ी को रुकाया गया तो गाड़ी से उतरकर एक युवक आया। उसने कहा कि मैं विधायक का भतीजा हूं, आप मेरी गाड़ी को कैसे रुकवा सकते हैं। उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद विधायक का पुत्र अपने साथियों के साथ आया। उसने सीधी गाड़ी को मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से मैं बच पाया। इसके बाद विधायक के बेटे ने अपने कार्यालय में आने को कहा। इस पर मैंने कहा कि मैं कार्यालय में नहीं आऊँगा, आप थाने आ सकते हैं। मेरे आधा घंटा इंतज़ार किया, वे वाहन नहीं आए। कुछ देर बाद मेरे सीनियर के पास विधायक के पुत्र का फोन आया कि मेरे कार्यालय पर उसे भिजवाओ, मिल बैठकर इस झगड़े को समाप्त करेंगे। जिसके बाद मैं उनके कार्यालय चला गया। वहां पर विधायक का पुत्र व दो तीन अन्य युवाओं ने मिलकर मेरे बेल्ट से बुरी तरह पिटाई की। कांस्टेबल ने कहा कि मेरे साथ मेडिकल मैंने करवाया है, कई जगह पर गंभीर चोटें भी आई है। उन्होंने कहा कि मेरी वर्दी भी फाड़ दी गई, मेरा सिर भी दीवार से टकराया गया। हालांकि मैं ड्यूटी कर रहा था, फिर भी इस तरह का रुआब मुझ पर लदा गया। अब देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। सर, मेरा नाम सिपाही भूपेंद्र है और मैं नारनौल डिस्ट्रिक्ट में पुलिस में नौकरी करता हूँ। फिलहाल मेरी पोस्टिंग अटेली थाने में है। अच्छा, कैसे क्या हो गए? और सर, मैं रोड के ऊपर चालान कर रहे थे हम, ये कनीना चौक के ऊपर, तभी एक पिकअप आई, उसको मैंने रुकवाया। हाँ भाई, तो उसने कहा तूने मेरी गाड़ी कैसे रुकवा ली? भाई क्या बात? बोला मैं विधायक का भतीजा हूँ। फिर उसने मेरे साथ गाड़ी गलौज की। बोला तेरी हिम्मत कैसे भाई? उसने मेरे साथ गाड़ी गलौज, मैंने उसको पकड़ के हमने उसको गाड़ी में बैठा दिया। चल भाई, तू ऐसे कैसे गाड़ी दे रहा है? उसके बाद वो उतर गया और उसने फिर वो चला गया। 10 मिनट बाद विधायक का लड़का आया, उसने और उसके साथ एक वो ब्रेजा गाड़ी थी, उन्होंने मेरे ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश करी। अगले पैर में रोकी नहीं, वो तो मैं हट गया, वरना मैं वहीं पे मेरा पैर टूटे। ठीक है, मैं फिर भी सहन कर गया, मैं साइड में हो लिया। उसके बाद उन्होंने वो बोला भाई तू मेरे ऑफिस पे आ। मैंने कहा जी मैं आपके ऑफिस पे नहीं आऊँगा, मैं थाने में आओ, आप मेरे थाने में आ जाइए। मैं तुरंत वहाँ से गाड़ी लेकर थाने में आ गया। आधा घंटा मैं थाने में खड़ा रहा, वो होने से वहाँ से कोई नहीं आया। फिर मैं रोड पर फिर आ गया। फिर मेरे पास जा रहे थे SHO साहब के, बोले भाई तू वो क्या बात होगी विधायक साहब के लड़के से मिल ले। मैंने कहा जी मैं वो मिल लेगा, थाने में आ जाएगा। वो नहीं आया। फिर उसके बाद फिर बार बार मेरा अतर सर के फ़ोन पे भाई इनके फ़ोन आ रहे थे बार बार कि भाई विधायक के लड़के से मिलो, विधायक के लड़के से मिलो। ठीक है, विधायक के लड़के का फिर वो विधायक के लड़के का मेरे सर के फोन पे आया, वो भाई बोले मिल। मैंने कहा मैं नहीं मिल। आपका सर फोन? मेरा सर अतर सिंह है इंसाफ। अच्छा, उनके फिर उनके फ़ोन पे आया विधायक के लड़के का फ़ोन, बोला जी एक बार उनसे बोले जी मिलो। उन्होंने कहा वो मना कर दिया, आपके ऑफिस में नहीं आएगा। उसके बाद वो लड़का फिर उसने मेरे से बात की, मुझे बोले बात करा दे, मेरी क्या दिक्कत है। मैंने कहा बताओ जी कहाँ है। बोले भाई मेरे ऑफिस में। जी मैं आपके ऑफिस पर नहीं आऊँगा। बोले भाई भाईबंदी से आ जाओ आप। ठीक है जी, मैं भाईबंदी वहाँ गया, वहाँ पर विधायक का लड़का, उसका भाई, उसके भतीजे, उन सभी ने मेरे साथ बढ़िया मारपीट करी। ये देखो मेरा हाथ भी मरोड़ा था, मेरे हाथ में देखो चोट आ रही है। ये देखो मेरे को केबलों से पीटा गया, अच्छी तरह मारी मारी है मेरे। और मेरे और उन्होंने वहाँ भेजा किसने आपको? वो बोला मिल तू हमारे से, मिल कम्प्रोमाइज कराएंगे आपको, कोई बात को ना। कोई पुलिस कर्मचारी भेजा या खुद ही गए थे? पुलिस नहीं, वो बार बार फोन आ रहे थे अंदर बुला के ऑफिस में, और मेरी वर्दी फाड़ दी और मेरे देखो के और मेरे को दीवारों पे बगा बगा के पीटा है ऑफिस के अंदर। और माँ बहन की गाड़ियाँ जितनी बुरी यातनाएं दी जा सकती उतनी दी उन्होंने मुझे। और बोला तू जा, तेरे से हो सकते वो कर ले, तेरी नौकरी भी खाएंगे और तेरे परिवार को मारेंगे तेरे को।